हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका इन दिस वीडियो आई एम प्रेजेंटिंग द करेक्टर्स ऑफ द नावल कांतापुरा कांतापुरा इज़ अ नावल रिटन बाय राजा राव एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1938। 1938, अ पीरियड ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल उन्नीस में भारत ब्रिटिशर्स का ग़ुलाम था फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था बहुत से लोग थे जो स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे बहुत से ऐसे लोग थे जो उस संग्राम में हिस्सा लेने वाले लोगों का सपोर्ट कर रहे थे साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी थे जो उस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले लोगों के अगेंस्ट थे उनके रास्ते में रुकावट बने हुए थे इसी तरह की मिलीजुली घटनाओं की कहानी है कांथापुरा कांथापुरा इज द नेम ऑफ अ विलेज इन साउथ इंडिया दक्षिणी भारत में एक काल्पनिक गांव का नाम है कांथापुरा। नाउ द करैक्टर्स इन द नावल कांथपुरा द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ द नावल इज़ मूर्ति एंड द नरेटर ऑफ द नावल इज़ अचक्का मूर्ति इज़ द मेन हीरो ऑफ द नावल यंग ब्राह्मण एंड फॉलोवर ऑफ महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस समय महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह जैसे बहुत स्वतंत्रता सेनानी थे जो भारत को आज़ाद करवाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे थे तो इस नोवेल कांथापुरा के अंदर महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा को दिखाया गया है महात्मा गांधी के सिद्धांत सदा सच बोलो नॉन वायलेंस मोमेंट मीन्स अहिंसा का मार्ग हमेशा चुनो इन सिद्धांतों का लोगों पर क्या असर हो रहा है और किस तरह से वो इन सिद्धांतों पर चल रहे हैं ये चीज़ कांतापुरा में दिखाई गई है तो मूर्ति इज़ द हीरो ऑफ द नोवल यंग ब्राह्मण फॉलोअर ऑफ़ महात्मा गांधी द नेक्स्ट करेक्टर इज अचक्का ओल्ड वुमेन बूढ़ी महिला है एंड शी इज़ द नरेटर ऑफ द कांतापुरा कांथापुरा की जो कहानी है वो हमें अचक्का ही सुनाती है अचक्का कहानी को नरेट करती है बताती है अचक्का का बेटा है शीनू मूर्ति का फ्रेंड है और उसका स्पोर्टर है उसका सहयोग करता है उसे मूर्ति की बूढ़ी माँ है जिसका नाम है नरसम्मा नेक्स्ट रत्ना यंग विडो है विधवा है शी लाइक्स मूर्ति एंड हिज़ वर्क मूर्ति और मूर्ति के द्वारा किए गए काम जो वो स्वतंत्रता संग्राम के में भाग ले रहा है किस तरह से वो लोगों की मदद कर रहा है इन सब कामों को रतन पसंद करती है नेक्स्ट इज रमा कृष्णैया रमा कृष्णैया स्कोलरली ओल्ड मैन एक विद्वान बुजुर्ग व्यक्ति जिस प्रकार हमारे घर परिवारों में हमारे आस पड़ोस में कुछ बुज़ुर्ग व्यक्ति होते हैं और वो बहुत विद्वान होते हैं जैसे उनसे कोई भी बात पूछी जाए कि ये ऐसा कब हुआ था तो वो उसके पीछे पूरी कहानी बताएंगे एक तो इसी तरह का एक विद्वान बुज़ुर्ग पर्सन है रमा कृष्णैया दो बेटियां हैं उसकी कमलम्मा छोटी का नाम है रंगम्मा दोनों विडो हैं दोनों विधवा हैं रंगम्मा रिच विडो है अमीर है स्पोर्ट्स मूर्ति और रंगम्मा भी मूर्ति को स्पोर्ट करती है एक कज़न है उनका जिसका नाम है सीतारम्मा नेक्स्ट इज शंकर फॉलोअर ऑफ गांधी फ्रेंड ऑफ मूर्ति लॉयर शंकर एक वकील है गांधी जी का अनुयायी है और मूर्ति का फ्रेंड है नेक्स्ट इज रंगना रंगना भी एडवोकेट है वकील है और फॉलोवर ऑफ गांधी है गांधी जी का अनुयायी है पुतम्मा पुतम्मा वुमेन ऑफ कांथापुरा, सपोर्टर ऑफ मूर्ति कांथापुरा में रहने वाली एक महिला है पुतम्मा जो मूर्ति को सपोर्ट करती है सो इन ब्रीफ वी कैन से दैट देर आर सो मैनी करेक्टर्स हुपोर्ट्स मूर्ति हुपोर्ट्स इनडायरेक्टली महात्मा गांधी एंड हिज़ मोमेंट्स एंड हिज़ सिद्धांत जो महात्मा गांधी के द्वारा लोगों को पहुँचाए जा रहे हैं उन सिद्धांतों के स्पोर्ट में बहुत सारे लोग आते हैं नेक्स्ट इज़ पटेल रंगे घोड़ा

हरी कथा बाजता है भगवान की जो कथा है वो लोगों को सुनाता है और हरी कथा सुनाते हुए वो राजनीति को और धर्म को आपस में मिक्स करता है उन दोनों का आपस में किस तरह से संबंध है इस संबंध को दर्शाते हुए वो हरी कथा लोगों को सुनाता है नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ स्वामी गवर्नमेंट एजेंट अगेंस्ट मिक्सिंग विद द पेरियाज पेरियाज द लोअर कास्ट इन साउथ इंडिया स्वामी गवर्नमेंट का एजेंट है और उसे पसंद नहीं है कि निची जाति के लोगों के साथ मिक्सअप हुआ जाए नेक्स्ट विनकम्मा, ओल्ड लेडी बूढ़ी महिला है अगेंस्ट मूर्ति फेरी टंग मूर्ति के अगेंस्ट है वो मूर्ति की बातें उसे पसंद नहीं आती फेरी टंग तीखी जुबान है उसकी एकदम से कुछ भी बोल देना बिना सोचे समझे तो वेनकम्मा एक बूढ़ी तीखी जुबान वाली महिला है जो मूर्ति के अगेंस्ट है वेनकम्मा की बेटी है नैंजर और उसका सनिन लो उसका दामाद है सिनप्पा सिनप्पा वेनकम्मा की तीसरी बेटी के साथ मैरिड है नेक्स्ट इज़ भट्टा ब्राह्मण है मनी लेंडर लोगों को पैसा ब्याज पर देता है अगेंस्ट मूर्ति एंड गांधीज मूवमेंट और वो मूर्ति और महात्मा गांधी के द्वारा चलाई गई मूवमेंट के अगेंस्ट है भट्टा की फर्स्ट वाइफ का नाम है सविथम्मा हालांकि फिजिकली स्विथम्मा इस नोवल के अंदर प्रेजेंट नहीं है लेकिन उसको इनडायरेक्टली मेंशन किया गया है मींस उसके बारे में बताया गया है कि शिवाज भट्टाज फर्स्ट वाइफ एंड द सेकेंड वाइफ ऑफ भट्टा इज़ चिनम्मा। नेक्स्ट बड़े खान मुस्लिम पुलिस मैन नंजुंदिया पटवारी उफकांथापुरा रंगा शास्त्री ब्राह्मण एडवोकेट वकील है ब्राह्मण है ओपन्स हिज पर्सनल टेम्पल टू पेरियाज और वो नीचे जाति के लोगों के लोग जिन्हें माना जाता है साउथ इंडिया के अंदर पेरिया कम्युनिटी के लिए अपने जो उसका पर्सनल मंदिर है उसके दरवाज़े खोल देता है नंजम्मा एंड रमना बोथ हार द ब्राह्मण ऑफ कांथापुरा नेक्स्ट स्केफिंगटन कॉफी स्टेट स्कैफिंगटन कॉफी स्टेट यहाँ इस कॉफी स्टेट का ओनर है साहिब मालिक है ये कॉफी स्टेट है इसका मालिक है साहिब नेफ्यू ऑफ नेफ्य। द फर्स्ट ओनर जिसने ये कॉफ़ी स्टेट बनाया था वो उसका नेफ्यू है भतीजा है रचन्ना एंड राची हस्बैंड वाइफ हैं पेरिया वर्कर्स हैं इस कॉफी स्टेट के अंदर कर्मचारी हैं जो इस कॉफी स्टेट में काम कर रहे हैं गंगाधर एंड वासुदेव ये ब्राह्मण हैं कुली का काम करते हैं कॉफी स्टेट के अंदर मैदाना ये कुली का काम करता है वर्कर है एक इसी कॉफी स्टेट के अंदर सो दीज पर्सन्स आर रिलेटेड टू स्केफिंगटन कॉफी स्टेट नारायण कॉफी प्लैटर है एंड बुरन ओनर ऑफ द टोडी बुथ है सो दीज आर द कैरेक्टर्स इन द नोवल काथापुरा वन मोर मेन कैरेक्टर इज गोड कंचमा कंचमा देवी की पूजा करते हैं कांतापुरा में रहने वाले सभी लोग महात्मा गांधी एबसेंट हीरो बट हिज प्रेजेंस फेल्ट थ्रू आउट द नोवेल महात्मा गांधी जो फिज़िकली प्रेजेंट नहीं है नोवेल में लेकिन उनकी प्रेजेंस को सारे नोवेल में फील किया जाता है कहीं भी आपको कुछ ऐसा नहीं सीन मिलेगा कि महात्मा गांधी आए हैं वो ये कह रहे हैं बाकी लोगों की बातों से पता चलेगा कि लोग फॉलोवर हैं महात्मा गांधी के और उनके द्वारा दिखाए गए रास्तों को फॉलो कर रहे हैं सो दीज आर द मेन करेक्टर्स ऑफ कांथापुरा थैंक यू